Hey, what's up, guys? Life is an endless vacation के एक और धमाकेदार एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आज मैं आपको लेकर आया हूं इंदौरी। ये तड़ेगांव दाभाड़े में मुंबई पुणे रोड से 3 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और यहां है सरदार खांडेराव दाभाड़े का गढ़। ये इंदौरी का छोटा सा भुईकोट किला है, लेकिन यहां है बहुत सारे सुरंगे और गुप्त कमरे। तो इन सीक्रेट्स को उजागर करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए लाइफ इज एन एंडलेस वेकेशन को और बने रहे मेरे साथ आखिर तक इस वीडियो में। पुणे से 35 किलोमीटर दूर है इंदौरी का रहस्यमय किला और यहां तक आने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है खुद की व्हीकल। खुद की कार या बाइक से आप ओल्ड पुणे मुंबई हाईवे से तड़ेगा होते हुए 1 घंटे में यहां तक पहुंच सकते हो। वैसे दूसरा ऑप्शन लोकल ट्रेन का भी है। पुणे से लोकल ट्रेन पकड़ के तड़ेगांव से यहां तक ऑटो से आप आ सकते हो। तड़ेगांव स्टेशन से ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर का है और यहां तक आने के लिए 10 मिनट लगते हैं। और यहां बने बहुत सारे घरों के बीच में से रास्ता निकालते हुए हम पहुंच जाते हैं इंदौरी किले के मेन गेट पे। यहां पर किले का भव्य प्रवेश द्वार हमारा स्वागत करता है। इसका मुख्य हिस्सा पत्थर में बना है और ऊपरी हिस्सा ईंट और चूने का इस्तेमाल करके बनाया गया है। जैसे हम इसके पास पहुंचते हैं तो इसकी भव्यता देख के हम अचंभित रह जाते हैं। द्वार के ऊपर हमें शरभ और गणपति की प्रतिमाएं दिखाई देती है। यहां गणपति को नमन कर हम चलते हैं अंदर किला एक्सप्लोर करने के लिए। और जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं हमें यह दरवाजा और भी भव्य लगने लगता है। इस महाद्वार की एक बहुत ही रोमांचक कहानी है। जब पेशवा बाजीराव खंडेराव दाभाड़े से भेंट करने यहाँ पर आए थे तो उन्हें यह द्वार रचना बहुत ही पसंद आई और इसी द्वार रचना से प्रभावित होकर उन्होंने शनिवारवाड़ा का महादरवाजा बनाया था। हालांकि शनिवारवाड़ा का द्वार इससे कई ज्यादा बड़ा और भव्य है, लेकिन उसकी प्रेरणा पेशवा बाजीराव को यहीं से मिली थी। यहाँ सामने एक कमरा है लेकिन उसका डंप यार्ड बन चुका है, तो वहां जाना मैं अवॉइड करूंगा। सरदार खांडेराव दाभाड़े कौन थे, आई एम श्योर बहुतों को नहीं पता होगा, तो थोड़ा सा उनके बारे में जानते हैं। येसाजी दाभाड़े छत्रपति शिवाजी महाराज के अंगरक्षक हुआ करते थे। खांडेराव दाभाड़े उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र थे। इन्होंने सन 1705 और 1717 के बीच गुजरात प्रांत में स्वराज का भगवा लहराया। इनके शौर्य और पराक्रम से खुश होकर छत्रपति शाहू महाराज ने उन्हें सरसेनापति का किताब बहाल किया और इंदौरी गाँव भेंट स्वरूप दिया। इसी इंदौरी गाँव में उन्होंने अपना गढ़ बनाया। अब मैं आ गया हूँ किले के अंदर और यहाँ से शुरू होता है रहस्यों का सिलसिला। तो मैं आ गया हूँ प्रवेश द्वार की दाई तरफ और यहाँ पर है एक बहुत बड़ा सा कमरा। हम प्रवेश द्वार के एग्जैक्टली बगल में हैं और यहाँ पर हमें ये कमरा दिखाई देता है। इसका कुछ हिस्सा टूटकर ये बड़ा होल बन गया है और ये सीक्रेट कमरा एक्सपोज हो गया है। ये उसका एक्चुअल एंट्रेंस है, तो चलो अंदर चल के इस कमरे को देखते हैं। वाओ, ये बहुत ही बड़ा कमरा है और शायद सैनिकों के विश्राम के लिए यहाँ पर ये बनाया गया था। बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है लेकिन यहाँ अंदर आके एकदम ठंडा लग रहा है। अब हम लोग कमरे से थोड़ा ऊपर जाके देखते हैं और यहाँ हमें दिखता है एक और द्वार, तो चलो ऊपर चल के देखते हैं वो क्या है। तो कमरे के ऊपर ये बुरुज है बड़ा सा,
यहाँ पर तोप और बंदूकें चलाने के लिए कई सारे छेद बनाए गए हैं। दरवाजे के एग्जैक्टली ऊपर यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पैसेज है और यहाँ से हम चलते हैं और देखते हैं क्या क्या आपको दिखता है। ये पैसेज हमें दूसरे बुरुज तक लेकर आता है। पैसेज से निकल के मैं आया हूँ अभी और यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा बुरुज दिखाई देता है। तो इस पैसेज में एक तरफ के झरोखों से हमको बाहर का नज़ारा दिखता है और यहीं से दूसरी तरफ यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा कमरा बनाया हुआ है। दिस इज मैसिव। इस वाले कमरे में जाने के लिए यहाँ से द्वार है। एंड लुक एट दिस गाइस, दिस इज अमेजिंग। यहाँ पर जो नक्काशी बनी है ये बहुत ही सुंदर है एंड इज वर्थ सीइंग। वाओ, यहाँ से हम कमरे के अंदर आए थे एंड लुक एट दिस गाइस। ये शायद अंबारखाना हुआ करता था और उस वक्त यहाँ पर अस्त्र शस्त्र स्टोर किया करते थे। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या इतने छोटे किले के लिए इतने बड़े अंबारखाने की जरूरत है? जितना लंबा ये पैसेज है उतनी लंबाई में अंबारखाना बनाया गया है। इतना बड़ा अंबारखाना यहाँ पर क्यों बनाया ये एक रहस्य ही है। पैसेज की शुरुआत में भी यहाँ पर अंबारखाना में जाने के लिए एक द्वार बनाया गया है और इसी द्वार के बगल में है कुछ सीढ़ियां जो हमें ऊपर ले जाती है। ऊपर एक छज्जा है और यहाँ पर तीन पानी की टंकियां हमें दिखाई देती है। ऑफ कोर्स ये पुरानी नहीं, हाल फिलहाल में ही लगाई गई है। यहाँ से किले के आसपास के परिसर का हमें विहंगम दृश्य दिखाई देता है। प्रवेश द्वार की दाई तरफ हमें कुछ और तटबंदी के अवशेष देखने को मिलते हैं। यहाँ पर तटबंदी के बीच में से एक सड़क भी बनाई गई है और यहाँ आसपास बहुत सारी नई इमारतें बनी हुई दिखाई देती हैं। यह है प्रवेश द्वार का बुरुज और बाहर से आज भी ये मजबूत है। अभी तक हम प्रवेश द्वार की दाई तरफ थे, अब चलते हैं बाई तरफ।
और देखते हैं यहाँ की तटबंदी और यहाँ के छिपे रहस्य। तटबंदी के ऊपर पहुंचने के लिए यहाँ पर ये पत्थर में सीढ़ियां बनाई गई हैं। यहाँ पर भी हमें एक बड़ा सा बुरुज दिखाई देता है। बुरुज देखकर नीचे आते हैं तो उसके एग्जैक्टली नीचे यहाँ पर हमें एक खुफिया कमरा दिखाई देता है। ये भी काफी बड़ा है और शायद सैनिकों के विश्राम के लिए बनाया गया था। तटबंदी में इतने सारे खुफिया कमरे शायद ही किसी किले पर हमें देखने को मिलते हैं। इस किले की सबसे वेल मेंटेन वास्तु है यहाँ का करजाई देवी मंदिर। ये मैं आ गया मंदिर के पीछे और यहाँ पे भी तटबंदी के कुछ अवशेष हमको दिखाई देते हैं। और इस तटबंदी से यहाँ पे एक मार्ग है ऊपर जाने के लिए। वाओ, यहाँ भी एक बड़ा सा बुरुज है जिस पर हमें बहुत सारे पेड़ दिखाई देते हैं। इन पेड़ों के बीच से रास्ता निकलते हुए किनारे तक जाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इट इज़ वर्थ इट, क्योंकि यहाँ से दिखती है इंद्रायणी नदी और उस पर बने ब्रिज के सुंदर नज़ारे। गर्मी में इतनी हरियाली देख के मन प्रसन्न हो जाता है, लेकिन जब ये ज्ञात होता है कि हरियाली वाटर हाइसिंथ है तब उतना ही दुख होता है। यहाँ तटबंदी टूटी हुई है और नीचे जाने के लिए स्टेप्स बने हुए हैं जिनसे हम नदी तक पहुंच सकते हैं। करजई मंदिर से थोड़ा दूर तटबंदी के पास हमें एक और छोटा मंदिर दिखाई देता है। इस मंदिर के दाई ओर की तटबंदी टूटी हुई है, लेकिन इस तटबंदी से हमें आसपास के सुंदर नज़ारे दिखाई देते हैं। वाओ, व्हाट अ व्यू गाइस।
थोड़ा आगे चलते हैं तो किले की दीवार में हमें एक और दरवाजा दिखाई देता है। तो हमने किले की परिक्रमा पूरी कर ली है और वापस आ गए हैं प्रवेश द्वार के पास। तो कैसा लगा आपको आज का ये फोर्ट एक्सप्लोरेशन? कमेंट्स में हमको जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में एक और धमाकेदार लोकेशन के साथ। तब तक लाइफ इज एन एंडलेस वेकेशन के साथ जुड़े रहे, मुस्कुराते रहे और अपनी जिंदगी ऐसे जिए जैसे वो एक लंबी छुट्टी हो।